press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. सात मजदूर, सात दिन और सात रात, ये कहानी है 1232 किलोमीटर की एक असाधारण यात्रा की। हमारे साथ मौजूद है विनोद कापली। उन्होंने इस पूरी यात्रा को मजदूरों के साथ, जो 1232 किलोमीटर की यात्रा थी गाजियाबाद से लेकर बिहार के सहरसा जिले तक, जहां के वो मजदूर रहने वाले थे, साइकिल से वो यात्रा उन मजदूरों ने की, और उस पूरी यात्रा को विनोद कापली ने अपने कैमरे में दर्ज किया है। ये जो लोग थे, सातों जो मजदूर थे जो गाजियाबाद से निकले थे, इनका आपसे संपर्क कैसे हुआ, आपसे कैसे ये लोग मिले, और फिर ये विचार कैसे आया कि इनके साथ यात्रा करनी चाहिए? 13 अप्रैल को एक ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि गाजियाबाद के लोनी में 30 मजदूर ऐसे हैं जिनको 3-4 दिन से राशन नहीं मिल रहा है, और उसमें उसके नीचे एक नंबर भी था। तो मैंने उस नंबर पे फोन किया और उनसे पूछा कि क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग 4-5 दिन से भूखे हैं, हमारे पास राशन नहीं है, खाने को भी नहीं, और कोई हमें मदद भी नहीं कर रहा। मैंने उसको कहा कि, और उसने मुझसे कहा कि आप आके हमारी स्थिति देखिए। तो मैंने कहा देखो अभी फिलहाल आना संभव नहीं है, आप एक काम करो कि एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दो जिसमें आप अपनी बात कहो। वो वीडियो रितेश नाम के इस लड़के ने बना के भेजा जिसकी उम्र 22 साल थी, और उसने वीडियो भेजा। मैंने वो वीडियो इमीडिएटली ट्विटर पे ट्वीट किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, गाजियाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन से उनको संपर्क हुआ, और उसमें कहा गया कि हम आपको मदद पहुंचा रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन तक ट्वीट तो हो गया लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंची, जिसके बारे में रितेश ने मुझे फिर बताया कि सर उन्होंने कहा था लेकिन मदद नहीं पहुंची, बल्कि पुलिस अब हमको ये कह रही है और डांट रही है कि तुम लोगों ने शिकायत क्यों की कि तुम लोगों को राशन नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बाद कुछ इंडिविजुअल, कुछ व्यक्तिगत तौर पे लोगों ने मदद की और 3-4 दिन का राशन इनको मिला। और लेकिन उसके बाद ये लगातार मेरे संपर्क में रहे, और 4 दिन के बाद फिर रितेश ने मुझे फोन किया कि जो राशन मिला था वो अब राशन खत्म हो गया है। तो उसके बाद फिर हमने अपने स्तर पर उनके अकाउंट में कुछ पैसे जमा करके उनके लिए कुछ दिन के राशन की व्यवस्था और की, पर वो भी काफी नहीं था मेरे ख्याल से। और इस तरह से मैं 10-12 दिन तक उनके संपर्क में रहा। और फिर हुआ क्या कि 27 अप्रैल को एक सज्जन ने मुझे संपर्क किया और कहा कि आपने जिन मजदूरों के बारे में कहा था कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, हम उनके दरवाजे पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें राशन अब नहीं चाहिए। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये राशन क्यों नहीं इनको चाहिए। तो मैंने फोन किया रितेश को, तो रितेश ने बताया कि सर अब हमको राशन नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग आज सुबह यहाँ गाजियाबाद से सहरसा के लिए निकल गए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को इतनी बड़ी यात्रा, इतने लंबी यात्रा का जोखिम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सर अब हापुड़ पहुंच गए, दिल्ली से जो करीब 70-80 किलोमीटर दूर है, हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोग रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तब मैंने तय किया कि जो मेरी यात्रा अधूरी रह गई थी वो मैं अब इनके साथ पूरी करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस यात्रा में किस तरह की दुश्वारियां आई पुलिस के वजह से? आम लोग भी बहुत रिसेप्टिव नहीं है आजकल की तारीख में अनजान लोगों को लेकर। हाँ, इनको सबसे ज्यादा दिक्कत आई वो हापुड़ से आगे चल करके ब्रजघाट के पास आई, जो इन लोगों ने बताया। ब्रजघाट जो है गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर लोग अंतिम संस्कार, गढ़मुक्तेश्वर भी जिसको कहते हैं, वहां पर पुलिस ने ना सिर्फ इनको रोका बल्कि बहुत इनको मारा पीटा भी। और उसके बाद इनसे कहा कि अब आप लोग आगे बिल्कुल हम आपको जाने नहीं देंगे, आप लोग वापस दिल्ली वापस जाइए, गाजियाबाद वापस जाइए और वहीं रहिए, आपको इजाजत नहीं है। लेकिन ये लोग जानते थे कि दिल्ली वापस या गाजियाबाद वापस जाकर भी अब इनको वो मकान मालिक ने पहले इनसे कह दिया था कि अगर आप लोग किराया नहीं दोगे तो आपको अब इस महीने, अगले महीने नहीं रहने दिया जाएगा। तो इनको पता था कि वो जगह भी अब इनके हाथ से चली गई है, अब वहां पे दोबारा जा नहीं सकते। तो इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो रात भर ये लोग जंगल में छिपे रहे। उसके बाद इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही जोखिम मोल ले लिया और इन्होंने क्या किया कि अपनी साइकिल समेत ये लोग 2-3 लोग गंगा में चले गए और गंगा को पार करने की कोशिश करने लगे। जब इनको देखा लोगों ने कि ये गंगा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसपास के गांव वाले आए और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, आगे गंगा बहुत गहरी है। अच्छा, चूंकि ये लोग सहरसा जिले के थे सभी के सभी लोग, और उस इलाके में बाढ़ बहुत आती है, करीब करीब 15 फीट तक पानी भर जाता है, 20 फीट तक पानी भर जाता है। तो इनको एक विश्वास था कि हम लोग पानी के बीच में ही पले बड़े हैं तो हम लोग गंगा भी पार कर जाएंगे। लेकिन ये लोग शायद उस वक्त ये भूल रहे थे कि इनके पास साइकिल्स भी हैं, साइकिल भी साथ लेके चल रहे हैं। तो गांव वालों ने समझाया कि साइकिल के साथ आप लोगों के पार जाना असंभव है,
आप लोग अगर 3-4 घंटे रुक जाएं तो हम लोग कुछ लोगों से बात करके, यहाँ पे नाव है, नाव से आपको साइकिल पार करा देंगे, साइकिल से गंगा पार करा देंगे। उसके बाद इन लोगों ने नाव के जरिए गंगा पार की, उसमें उनकी नाव का सहारा लेकर के, और उसके ये इस घटना के बाद इनको पुलिस की मार का इतना बड़ा असर हुआ कि इसके बाद इन लोगों ने तय कर लिया कि अब हम हाईवे पर नहीं जाएंगे। और इनमें जो एक लड़का था जिसके साथ मैं संपर्क में था, रितेश, जो कि सबसे कम उम्र का था, 22 साल का रितेश, वो सबसे कम उम्र का था लेकिन साथ में बहुत समझदार था। उसने अपने मोबाइल में गूगल जो आपकी जीपीएस की लोकेशन होती है उसके जरिए, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 तरह के विकल्प होते हैं कि हम कार से यात्रा कर रहे हैं, बाइक से यात्रा कर रहे हैं या पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो इसने, रितेश ने क्या किया कि अपने उसमें इसने पैदल वाला विकल्प डाल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनको कच्चे रास्ते, जंगल का रास्ता, गांव का रास्ता, इस रास्ते से इसने उसको अपना रास्ता इन लोगों ने बनाना शुरू किया। तो क्योंकि 7 दिन लंबा सफर होता है और मोबाइल में बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, सब कुछ लॉकडाउन में है, कुछ चल नहीं रहा है और लोग भी आपको के लिए उतने रिसेप्टिव नहीं है, ऐसे मौके पर आपको ये आता है कई बार कि दिमाग में आया कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो ये सारी चीजें, मोबाइल की चार्जिंग बहुत जरूरी है, वो कैसे मैनेज हो रही थी उनके लिए? हाँ, हम लोगों से मिलने से पहले तो ये लोग क्या कर रहे थे कि गांव वालों से जब कहते थे कि हमको कुछ खाने को दे दो, तो कहते थे कि नहीं, खाने की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, सब लोग चले गए, तो फिर ये कहते थे कि अच्छा 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हमारा फोन चार्ज पे कर रख दो। तो ये लोग क्या करते थे, फोन चार्ज पे रखते थे, उसके बाद फोन को 10 मिनट 15 मिनट के लिए फोन चार्ज पे रखा, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, 2-3 फोन एक साथ चार्ज करवा लेते थे। उसके बाद ये लोग एक बार 5 किलोमीटर आगे की लोकेशन एक बार समझ लेते थे, तो उसके बाद ये लोग मोबाइल अपना फोन स्विच ऑफ कर देते थे ताकि उसकी बैटरी कम से कम ये लोग खर्च हो। इतने सारे लोग और ये जब आप लोग उधर पहुंचे तो बिहार में जाने के बाद, क्योंकि अब तो क्वारंटाइन की भी एक स्थिति है कि वहां जाकर सीधे सीधे आप अपने घरों में नहीं जा सकते, तो वहां पर इन लोगों को कैसे रखा गया? हाँ, वो आपने बिहार वाला सवाल पहले ही पूछा था। जैसे ही लोग बिहार सीमा में प्रवेश किए, तब उसके बाद भी गोपालगंज से, पडरौना से आगे निकल करके बिहार सीमा में इन लोगों ने प्रवेश किया, गोपालगंज जिला की। लेकिन उसके बाद पुलिस ने इनको और बिहार प्रशासन ने कहा कि अब यहाँ से आप हमारे संरक्षण में हैं, और पुलिस के संरक्षण में और सरकार के संरक्षण में। तो इन्हें लगा कि हाँ, अब थोड़ा स्थितियां बेहतर हो गई हैं, अब हम लोग सरकार के संरक्षण में हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि स्थितियां इनके लिए और खराब हो गई, क्योंकि अब तक ये लोग अपनी मर्जी से थे, साइकिल से चल रहे थे, जहां जाते थे, जहां चाहते थे रुक सकते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि सरकार ने इनसे कहा कि अब आप हमारी बसों में बैठ जाइए, और इनको सहरसा की बस में बिठा दिया, जिसमें पुलिस वालों को भी रखा गया, इन लोग बाकी और भी लोग थे इनके साथ, जो बाकी लोग भी अलग अलग जगहों से आए थे। 12 बजे इन लोगों को दिन में बस में बिठाया, और सुबह 3 बजे इनकी बस, करीब 15 घंटे के बाद इनकी बस इनके जिले में सहरसा में पहुंची। और इन 15 घंटों में ना तो इनको पानी दिया गया पीने को, और ना ही इनको खाने को कुछ दिया गया। तो ये पूरे 15 घंटे बस के अंदर भूखे रहे, और उसके बाद जब ये सहरसा में उतरे तो क्वारंटीन और आइसोलेशन के नाम पर इनको एक बहुत ही गंदे से कमरे में बंद कर दिया गया, और बाहर से ताला लगा दिया गया। जब ये लोग अपने गांव पहुंच गए, अपने परिवार वालों से मिले, वो किस तरह का दृश्य था? जो इनका पूरा जो भावनाएं थी, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं कहां से ये जंग जीत करके आए हुए हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया क्या फतह करके आए हैं, कोई वर्ल्ड कप लेकर के आए, ये वो उस तरह का उत्साह इनके चेहरे पे था जब ये लोग बस पे थे। हम लोगों ने देखी वो तस्वीरें जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता, पूरे मुंबई के शहरों में बस पे खड़े होकर के पूरी क्रिकेट टीम घूम रही थी, और ये लड़के बिल्कुल, इनके लिए वो वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी खुशी थी कि ये अपने गांव पहुंच गए। तो मुफ्त का हिस्सा यहां पर खत्म। इस इंटरव्यू को पूरा देखने के लिए आप newslaundry.com/subscription पर जाकर सब्सक्राइब करें और इस पूरे इंटरव्यू को वहां पर देखें। आपको पता ही है कि न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर का सहारा है। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हक से बोलें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।